एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद कॉलेज आई हूँ, मतलब मैं तो पिछले कल भी आई थी, कुछ भी शूट नहीं किया। मैं कल कॉलेज आई थी और इसका रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं कहा जितनी बची कुची है वो मेरे खुद के लिए, मतलब जो हमको लेक्चर वगैरह सुनने पड़ता है उसके लिए थी। तो मैंने स्किप ही किया, मैं कहा चलो कोई नहीं नेक्स्ट डे बनाएंगे। तो आज मैं कॉलेज में पहुँच चुकी हूँ और सब देख रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो मेरी अभी क्लास है, क्लास को अटेंड करता है, फिर उसके बाद यहीं मैं आपसे मिलती हूँ वापस। हाय, हेलो हेलो, टू थाउजेंड ईयर्स लेटर। तो गाइस, आप सभी के ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि आप क्या करती हो, आप कॉलेज में क्या कर रही हो, और बहुत सारे तो ये भी पूछते हैं कि कॉलेज में, मतलब आपके कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और दूसरी चीज़ कि मेरे को अभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं है कि आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके लिए सॉरी। जो है वो है मेरी छोटी सिस्टर, इसको तो सभी जानते हो, और ये पानी पी रही है तो ये बोलेगी रुक जा। मतलब अभी भी मैं लाइब्रेरी में थी, मैं लाइब्रेरी से ही आई हूँ नीचे, फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, कुछ भी व्लॉग नहीं आया है। और मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग शूट नहीं किया था, जिसका रीज़न मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मुझे घर में कुछ ऐसा लगा नहीं कॉन्टेंट कि मैं आपको दिखाऊँ। मतलब आपको पता ही है बारिश में यही होता है कि खाना, उठना, बैठना, सोना, मतलब कुछ एंटरटेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। और आपको पता ही है आजकल हिमाचल के हालत, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है। इवन हमारी दो दिन की छुट्टी कर ली थी, इमरजेंसी हमें छुट्टी मिली थी दो दिन की, तो देख सकते हो आप, समझ सकते हो कि कितने बुरे हालत है। और बारिश बहुत ही ज़्यादा थी, हमारे इवन हमारे सिरमौर में भी यहाँ रेड अलर्ट जारी था, हमारे लिए भी मतलब खतरे की घंटी। बट आज मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मतलब नहान में तो सब ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मैं बहुत हड़बड़ा रही हूँ क्योंकि मुझे सब देख रहे हैं साइड बच्चे, मतलब पानी पीने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। दिखा दे बैक साइड से। ओके, दिखाती हूँ मैं कैसी भीड़ लगी है। आप देख सकते हो इस साइड सारे लोग हैं और ये देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। और अगर करूँ मेरे साथ की बात तो मेरे साथ है संदीरा। हाई, कैसा फील? कुछ भी दिख रहा, मतलब यहाँ के तंदूरी बस ये सोच कि यहाँ तेरा कैमरा ऑन है और तू आ रही है, सोच बातें कर। और एक पर्सनल बात बतानी आप लोगों को, सामने से हमको ऐसे देख रहे थे, पता नहीं हमने पता नहीं इनका क्या, मतलब क्या, जोर से बोल, जोर से चोरी करके ला रखा है। ये कह रही है कि सामने से बहुत सारे देख रहे हैं, पता नहीं क्या चोरी करके ला रखा है, मतलब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कुछ चोरी कर रखा है। बट चलो, हम जो काम कर रहे हैं वो तो हम करेंगे, मतलब मुझे तो अब शर्म नहीं आती है, पहले थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता था पर अब नहीं, अब ठीक है भाई, करती हूँ व्लॉग, बनाती हूँ, दैट्स इट। बट अब मेरी है क्लास, हम चलते नहीं, और इसकी भी थी क्लास है, इसकी क्लास ख़त्म हो गई और ये आई भी सुबह लेट थी और जा भी जल्दी रही है, और मैं सुबह 9 बजे लेट नहीं आई थी, मैं एक्चुअल टाइम पे आई थी जब मेरी क्लास। मेरा कहने का मतलब है मेरे अकॉर्डिंग तू लेट आई थी, मैं आती हूँ सुबह 9 बजे और जाती हूँ 3 बजे, और ये तो भाई 11 बजे आएगी और 1:30-2 बजे चली जाएगी। सो मैंने सोचा तो फटाफट से चलते हैं क्लास लगाने, और चलते हैं पानी भरने। तो फटाफट से चलते हैं क्लास लगाने, और टाइम हो गया है, हम हड़बड़ाई से रह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। बच्चा चलो, वही चल यार, मेरी क्लास है, सुन पानी है इसमें, सीरियसली। तो यहाँ थे वो सारे लोग, यहाँ है और मैं वहाँ थी, ब्लॉग शूट करी थी। चले मेरी, तेरे को पता है मेरा बैग लाइब्रेरी में है, मेरा बैग लाइब्रेरी में है, मेरे को बैग लेने जाना है और तू भी चलेगी, समझी? पीजी कॉलेज। हाय, फोकस ठीक नहीं पड़ रहा, अब बोलो भाई। हेलो भैया, सो अब हम जाएंगे लाइब्रेरी जो कि यहाँ से जाया जाता है, तो ठीक है फटाफट से चलता है बटर शो, और ऊपर वहाँ ऊपर जाना है। और ये है लाइब्रेरी के बाहर का सीटिंग एरिया, यहाँ बच्चे मैक्सिमम तो गेम ही खेल रहे हैं, बच्चे फोन चला बैठे।
मुझे ये बुक लेनी है, ये हमारे कॉलेज की मैगजीन है जो कि यहाँ रखी है। सो आई डिसाइडेड कि चलो ले जाए। या देख मैंने मैगजीन दे दी, ले ले यहाँ है, ले ले यहाँ, हाँ ले ले। सिंदीरा भी मांग दी तो उसके लिए भी हम पढ़ के वापस रख देंगे। हेलो भैया, दे दे। उनको मैम ने बोला था यार कल। हाँ लाइब्रेरी वाले मैम नहीं, वो आए थे तो वो कह रहे थे कि जिन्होंने लेनी है वो ले ले। और ये रहा कॉलेज का कैंपस, और ये रही विश्व सुंदरी। हाय, फोकस अच्छा नहीं पड़ रहा, वो अलग बात है। ये देखो दोनों चली गई। यहाँ लड़के अपनी पूरी, मतलब यहाँ लड़के अपना पूरा 100% दे रहे हैं गेम के लिए। देखेंगे कोई इनमें से ब्लॉग तो फिर बोलेगा अच्छा बेटा आई बड़ी। हाय दी, कैसे हो आप? हाँ, और यहाँ तो एट अ टाइम भीड़ ही रहती है। और अभी मेरी है क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया। ले भाई ले, खड़ा हो जा। हाँ हाँ, दिखा दिखा दिखा, होनी भी चाहिए उसके लिए। क्या है भाई, है तू ते में बहुत ताकत है। कितनी बदतमीज है ना, अपनी वीडियो बना रही है। ऐसे कहा कि भाई जो ब्लॉगर है उसके भी वीडियो शूट की जाए। हाय कर दो, हाय। यहाँ सारी सुंदरिया बैठी हुई है। लड़के कमेंट में बोले कैमरा मैन जरा फोकस करो। यार मीटिंग नहीं, संदीप राव की क्लास हुई नहीं, करता है पता जरा। संदीप राव की नहीं हुई, मैम ने लिखा था आई एम ऑन ड्यूटी। पक्का कुछ भी नहीं पता है। कैंटीन, जहाँ से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। और ये देखो इतनी धूप में यार। NSUI, वो देखो पार्वरा मॉन्टिक। मुझे एक ने कहा है कि जूम करे फिर से। हाय हाय ब्रो, ठीक है? ओ भाई, मेरे तो फिर पता ही है फोन की। हाय, बस चल चल चल, बस हाँ बंद हो सकता है। ओ बाबा, मैंने इतना जूम किया। और अगर इन बाई चांस देख ली, नहीं तो गाइज अभी पता ही क्या हुआ। अभी हुआ कुछ यूं कि मैं जो मेरा फोन है ये दीदी के पास था और दीदी से ऑन नहीं हो रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। दीदी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको मेरा फोन ऑन करना क्यों नहीं आ रहा था, टेल मी। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना यार, देखो पता नहीं बेचारे कौन है ये। नाइस बॉस, पागल है तू, देखते हैं लोग ठीक है। और जब तो कॉलेज का हो तब तो पक्का ही देखेंगे। दीदी बहुत अच्छी लगी। मैं क्यों भाई, तुम्हें अच्छी लगी तब ली मैंने। One hour later. Hi Bia. ठीक है भाई, है ना? और ये कुछ लोग बैठे हुए हैं थके हारे। आपको किसी ने कहा है कि प्लीज इन्हें व्लॉग में ले ज्यादा से ज्यादा? सो नो कमेंट है। ओके डन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रियली? ओ रियल, कैमरामैन फोकस करे।
चिंटू भाई उस टाइम अच्छा नहीं आया था ना, मैं कहा उस टाइम फोकस नहीं हुआ था, अब आप बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। हेलो भैया, आप भी आ रहे हो।